हे एवरीबॉडी, हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारे कंप्लीट करने वाले हैं, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ हैं. सबसे पहले कह रहा है, क्लीन अ मैग्नीशियम रबर अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर, होल्ड इट विद पेयर ऑफ टॉन्ग्स. और उसके बाद क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम को जला के देखना है, यही कह रहा है ना कि वॉट डू यू ऑब्जर्व, होल्ड इट विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल रिएक्शन क्या होती है. सबसे पहले जो तुम्हारा मैग्नीशियम रिवर है दैट इज़ एम जी, जो कि सॉलिड है तुम्हारे पास, जो कि सॉलिड है तुम्हारे पास. उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे तुमने इसमें क्या किया, ऑक्सीजन के साथ इसको बर्न किया, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ इसको क्या किया, इसको बर्न किया. क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड. क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड. इसको मैं अगर बैलेंस करना चाहूँ तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा इसको लगाने के लिए यहाँ पे. और हमारे पास क्या होता है, एक डार्जलिंग लाइट के साथ ये बर्न होता है. क्या होता है, एक डार्जलिंग वाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होता है. गॉट इट, नेक्स्ट पे चले. कह रहा है, टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व. तो ऑब्वियसली लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या हो गया मेरे पास, PbNO3 होल ट्वाइस प्लस क्या कर रहा है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्या करा दो, रिएक्ट करा दो. ये क्या करेगा, अब हमारे पास ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है. यहाँ पे क्या बन जाता है, KNO3 और क्या बना लेता है, PbI2. क्या बना लेता है, PbI2. यहाँ क्या बैलेंस करना है हमें, यस हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा. यहाँ पे 2 लिख दोगे, यहाँ पे 2 लिख दोगे, बैलेंस हो गया. ये क्या बन जाता है हमारे पास, येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है. ये क्या बन जाता है हमारे पास, येलो प्रेसिपिटेट बन जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. टेक अ फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग. और कह रहे हैं टच करके देखो कि क्या होता है. चलो देख लेते हैं. जिंक को क्या किया, HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी यहाँ पे. उसके बाद ये क्या है हमारे पास, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन. क्या है हमारे पास, डिसप्लेसमेंट रिएक्शन है. दूसरी रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी करा के देखते, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी करा के देखते हैं. यहाँ पे भी क्या होगा, ZnSO4 बनेगा प्लस H2 रिलीज होगा. यहाँ पे 2 लगा दो कि बैलेंस हो जाएगा, क्या यहाँ बैलेंस करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस, तो दोनों केस में तुम्हें क्या दिख रहा है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है. और जब तुम फ्लास्क को टच करोगे तो तुम्हारे को क्या होगा, यहाँ पे हीट रिलीज हुई होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. मतलब हीट रिलीज हुई है और फ्लास्क क्या बन जाएगा, हॉट बन जाएगा. फ्लास्क क्या हो जाएगा, हॉट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो गया होगा, इंक्रीज हो गया होगा. अगले क्वेश्चन पर आओ. टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम. क्विक लाइम का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, CaO. ये क्या हो गया मेरे पास, क्विक लाइम, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ. ठीक है, क्विक लाइम हो गया हमारे पास. उसके बाद क्या बोल रहा है, और क्या करो, और स्लोली एड वाटर टू दिस, टच द बीकर, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर. बड़ा फील ले रहे हैं अरे लोग. चलो क्या कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ पानी को मिक्स करा तो क्या बन जाता है यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्या कहते हैं, स्लेट लाइम. जिसको क्या कहते हैं, स्लेट लाइम. क्या कहते हैं, स्लेट लाइम कहते हैं. और यहाँ पे ये क्या होता है मेरा, क्विक लाइम. क्या होता है, क्विक लाइम. इसकी वजह से क्या होता है, लार्ज हीट, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है. और ये क्या होता है हमारे पास, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. कह रहा है, टेक 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, नोट द कलर ऑफ फेरस. पहले फेरस सल्फेट क्या होता है मेरे पास, FeSO4. क्या होता है, FeSO4. इसके क्रिस्टल लिए और क्या कराया, इसको हीट कराना है. हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम ऑफ अ बर्नर और स्पिरिट लैम्प. करा दिया चलो हीट. अब यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है. FeSO4 दैट इज योर फेरस सल्फेट बन जाता है तुम्हारे पास Fe2O3 दैट इज योर फेरिक ऑक्साइड. फेरिक ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है और यहाँ पे तुम्हारा एक SO2 गैस रिलीज होती है प्लस SO3 गैस होती है. ठीक है, ये फेरिक सल्फेट, इसको मैं बैलेंस कर दूँ तो यहाँ पे 2 लगा देती हूँ. ठीक है, बाकी सब बैलेंस.
बैलेंस को कर लेना अपने आप, ठीक है, हो गई है वैसे बैलेंस। फेरस सल्फेट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, पर जब इसको हीट करते हैं ना तो ये अपना कलर लूज कर देता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, ब्राउनिश ब्राउनिश ब्लैक कलर बन जाता है। क्या हो जाता है, ब्राउनिश ब्लैक कलर बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये अपना लूज कर देता है। और यहाँ पे क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अगले क्वेश्चन पर आओ, अगली एक्टिविटी, टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब। लेड नाइट्रेट पाउडर क्या है मेरे पास, TbNO3 होल ट्वाइस, अभी पढ़ा था, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर द फ्लेम। इसको मुझे क्या करना है, इसको मुझे सिंपली हीट कर देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज। तुम यहाँ पे देखोगे कि PbO बनता है प्लस 4NO2, मैं बैलेंस पहले से कर देती हूँ, 4NO2 प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बना होता है, ये क्या होता है, इसके ब्राउन फ्यूम्स होते हैं। क्या होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स होती हैं, ब्राउन फ्यूम्स होंगी क्या, ये बहुत मतलब बहुत गंदी स्मेल वाली गैस होती है, ठीक है, बहुत गंदी स्मेल आती है यहाँ से। और ये क्या बना तुम्हारे पास, येल्लो PPT बना लेगा। लेड ऑक्साइड क्या बना लेता है, येल्लो PPT बना लेता। तुम ये नहीं लिखोगे मैंने लेड ऑक्साइड को देखा, तुम ये लिखोगे मैंने येलो PPT देखा, जो कि है हमारे लेड ऑक्साइड की। तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, और ब्राउन फ्यूम्स किस क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। यहाँ पे देखो, तुम क्वेश्चन पढ़ लेना, पॉज करके पढ़ो, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा वरना। तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यही आता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, वाटर को डिकम्पोज कर देती है, किसमें, दो कॉम्पोनेंट में, दिस दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ गैस है जो कि कहाँ पर कलेक्ट हुआ है, कैथोड पर, और जब इसके पास फ्लेम लेकर आएंगे तो बहुत क्विकली बर्न होगा। उसके बाद मेरे पास है सेकंड, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड इन चाइना डिश, व्हाट इज इट्स कलर। जो चाइना डिश में तुमने सिल्वर क्लोराइड लिया है, दैट इज AgCl, वो क्या होता है, वाइट कलर का होता है। जब तुम इसको सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, किसमें टूट जाता है, ग्रे कलर का सॉलिड एशेस टाइप का तुम्हें दिखेगा यहाँ पे, जो कि हो जाएगा तुम्हारा सिल्वर, और क्या रिलीज होती है, क्लोरीन गैस रिलीज होती है। समझ आया, नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाओ, आई विल डू दिस। यहाँ पे तुम्हें कह रहा है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशन। लिटमस जो होता है तुम्हारा, रेड लिटमस होता है, वो क्या करेगा, अगर तुम यहाँ पे कोई बेस लेकर आओगे, अगर कोई बेस लेकर आओगे तो रेड लिटमस क्या कर लेता है, ब्लू कलर बना लेता है। किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में। रेड लिटमस को बेस क्या करता है, ब्लू में चेंज कर देता है। और ब्लू लिटमस क्या करता है, ब्लू लिटमस क्या करता है, अगर तुम यहाँ पे एक एसिड लेकर आओगे तो यहाँ पे कलर क्या चेंज आ जाएगा, रेड कलर का चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रेड कलर का चेंज आ जाएगा। और फिनोफ्थिलीन, फिनोफ्थिलीन इज एन इंडिकेटर, और यहाँ पे अगर तुम एसिड लेकर आओगे, एसिड लेकर आओगे तो ये कलरलेस रहेगा, क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। लेकिन अगर बेस लाओगे, अगर बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये रेड कलर से पिंक कलर बना लेता है, रेड कलर से पिंक कलर बना लेता है। फिनोफ्थिलीन को बेस पसंद है। और अगर मैं बात करूँ मिथाइल ऑरेंज की, मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा कि अगर एसिड आया तो ये कैसा रहता है, पिंक, कैसा रहेगा, पिंक, पिंक कलर में बदल जाएगा। पर अगर बेस आया, पर अगर बेस आएगा तो ये क्या करेगा, इट विल रिमेन येलो, इट विल रिमेन येलोइश ऑरेंजिश जो भी है, इट विल रिमेन येलो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में आप अपना ये एसिड्स और बेसिस को छाट सकते हैं, एंड देन यू कैन डू इट अकॉर्डिंगली। वन कर लिए हमने, हाँ 2.3 पे आओ, क्या बोल रहा है, द एक्टिविटी नीड्स वट एवर सेट द पैटर्स। उसके बाद 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को एड फ्यू पीसेज ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स। चलो H2 क्या बोल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 में क्या करना है तुम्हें, जिंक ग्रैन्यूल्स डालने। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब तुम अगर रिएक्ट कराओगे तो क्या होता है, यहाँ पर ZnSO4 बनेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो तुमको वहाँ पर क्या देखा, बबल्स दिखेंगे, ठीक है। व्हाई आर द बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन, पास द गैस बीइंग इन्वॉल्व इन द बबल सॉल्यूशन, उसके बाद टेकिंग अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस। तो अगर तुम कैंडल्स लेके जाओगे बबल्स के पास, क्योंकि हाइड्रोजन गैस की वजह से यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं, किसकी वजह से, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है जिसकी वजह से बबल्स बन रहे हैं। और अगर तुम यहाँ पे कैंडल लेके जाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे पॉप साउंड, वॉट, पॉप
पॉप साउंड आएगी. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व अ गैस, है ना, गैस इवॉल्व होती हुई और बबल्स दिखते हुए तुम्हें नजर आएंगे, जो कि तुम्हारे पास किसके होंगे, हाइड्रोजन के. रिपीट द एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड CH3. ये कौन सा एसिड है? एसिटिक एसिड है. क्या सब केसेस में डिफरेंट है या सेम है? देखो, सब केसेस में बबल्स तो रिलीज होंगे, हाइड्रोजन तो रिलीज होगा, बट जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी के साथ रिलीज होगा वो डिफरेंट होगा. अगर तुम वीक एसिड यूज करोगे, दैट इज एसिटिक एसिड, तो तुम्हारे बबल्स फॉर्मेशन धीरे धीरे होंगे. बट इफ यू यूजिंग अ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो तुम्हारे बबल्स फॉर्मेशन क्या होंगे? ज्यादा तेज होंगे. यही डिफरेंस आएगा यहाँ पर. प्लेस अ फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलर ऑब्जर्वेशंस. तो तुम NaOH को अगर रिएक्ट करवाते हो जिंक ग्रेनुल के साथ, तो तुम्हारे पास बन जाता है सोडियम जिंकेट. क्या बन जाता है? सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस तुम्हारी रिलीज हो जाती है यहाँ पर. सोडियम कार्बोनेट ले लिया इन अ टेस्ट ट्यूब अबाउट, और फिर एक जगह तुमने दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl. ठीक है, HCl ऐड करा दो, जो कह रहे हैं ना वो सब साथ में करता है. चलो HCl ऐड करा दिया, यहाँ भी HCl ऐड करा दिया. वॉट डू यू ऑब्जर्व? अब क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शन होती है. Na2CO3 प्लस HCl रिएक्ट करेगा, ये क्या बना लेता है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास बना लेता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2. ठीक है, गैस होगी यहाँ पे. ये भी क्या बना लेता है? ये भी बना लेता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2. बस यहाँ पे 2 आ जाएगा. इससे क्या पता चलता है तुम्हें कि अगर तुम्हारे पास क्या कह रहा है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स मेटल हाइड्रोजन रिएक्ट विद एसिड्स, तो ये तुम्हारा एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है वो दिखा देता है. क्या बोल रहा है? पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच थ्रू लाइम वाटर आर शोन. अब तुम अगर लाइम वाटर से इसको पास करोगे, लाइम वाटर क्या होता है तुम्हारा CaOH होल ट्वाइस, अगर तुम पास करोगे इसको, तुम्हारे पास गैस प्रोड्यूस हुई है, तो क्या होता है यहाँ पे? एक ब्रिस्क एफेवेसेंस दिखती है तुम्हें. क्या होता है? ब्रिस्क एफेवेसेंस दिखती है, और यहाँ पे क्या बन जाता है तुम्हारे पास? एक मिल्की सोल्यूशन दिखता है तुम्हें, एक मिल्की सोल्यूशन, दैट इज योर व्हाइट प्रेसिपिटेट. क्या दिखता है तुम्हारे पास? व्हाइट प्रेसिपिटेट, जो कि तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होता है. अगर तुम एक्सिस में इसको लेके जाओगे, करते जाओगे, तो क्या होता है तुम्हारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? फिर से कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेता है, जो कि सोल्यूबल होता है, और फिर से तुम्हारा मिल्की क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है. नेक्स्ट पे आओ. क्या कह रहा है? टू टेक 2 ml टेस्ट ट्यूब एड 2 drops of phenolphthalein solution. और वही देखो, वही है जो मैंने कॉन्सेप्ट पिछले वाले में बताया, फिनोफ्थेलिन वाला. ठीक है, तो दिस विल बी योर होमवर्क. ओके, 2.7 पे आओ. क्या कह रहा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ले लिया इन अ बीकर, एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दिया, वाइल स्टिरिंग कर दिया, क्या बना लेगा? CuCl2 प्लस H2. क्या बना लेगा? CuCl2 प्लस H2 बना लेगा. इसका कलर होता है तुम्हारे पास ब्लू ग्रीन. क्या होता है? ब्लू ग्रीन. ओके, उसके बाद अगले पर आओ. अच्छा, ये तुम्हारे कनेक्ट, पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन. पॉज द वीडियो एंड नेल्स. ठीक है, कनेक्ट द नेल्स टू नेम पोर डाइल्यूट HCl इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, रिपीट विद डाइल्यूट. अगर तुम इन दोनों केस में देखो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्योंकि यहाँ पे HCl और H2SO4 इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा? आयन फॉर्मेशन ड्यू टू दीज आयन. दीज आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स. दीज आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, विच आर केपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ देयर आयनाइजेशन. ये क्या होगा? यहाँ पे बल्ब जल जाएगा, बल्ब विल ग्लो. बट अगर ये कह रहा है कि अगर तुमने ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ लिया, तो ये अच्छे कंडक्टर नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारा बल्ब विल नॉट ग्लो. डज द बल्ब ग्लो इन ऑल द केसेस? नो, इट विल नॉट ग्लो इन द केस ऑफ ग्लूकोज और अल्कोहल. कह रहा है तुमने इसको ब्लू लिटमस पेपर के पास लेके गए, तो ये क्या करेगा? ये आयनाइजेशन नहीं करवा पाता है. ड्राई HCl आयनाइजेशन नहीं करवा पाता है, आयनाइजेशन नहीं करवा पाएगा, तो ये क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड नहीं कर पाता है. लेकिन जो वेट HCl है, ये करा लेता है वाटर के साथ रिएक्ट करके H+ आयंस क्या करता है? H+ आयन फर्निश करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में बना देता है. ठीक है, 2.10 पे आओ. बीकर एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, टच द बेस ऑफ द बीकर, इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? यस, चेंज इन टेम्परेचर होगा. क्योंकि क्यों बीकर हॉट हो जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा. क्यों? क्योंकि इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इन दिस एक्सोथर्मिक, और यस, इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड.
ओके तो ये वाले क्वेश्चन पर आइए. यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पे पीएच इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कलर ऑफ द पीएच इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सलाइवा बिफोर मील इज, इसका यहाँ पे हमारे पास पीएच होता है 6.8 to 7.4 पीएच होता है, और यहाँ पे आफ्टर मील 5.8 होता है. लेमन जूस का 2.2, एरिनेटेड ड्रिंक्स का 4, कैरेट जूस का 6, कॉफी का 4.5 एंड टमाटो जूस का 4.3. टैप वाटर का अराउंड 6 to 8.5 होता है हमारे पास. ये एनओएच का 14 होता है और एचसीएल का 0 होता है. देखो ये पीएच की स्केल है, पीएच का स्केल 0 to 14 हो गया हमारे पास, और बीच में क्या हो गया 7. इफ यू गो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड द एसिडिक नेचर विल इंक्रीज, एसिडिटी विल इंक्रीज, और जहाँ तुम इस साइड आओगे तो यहाँ पे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज होते हैं टूवर्ड्स 14, टूवर्ड्स द राइट साइड. ठीक है, उसके बाद अगर सीधे सीधे इस क्वेश्चन में व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच, आइडियल सॉइल का पीएच होता है हमारे पास 6 to 7. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो. पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट कैसे बनता है हमारे पास, H2SO4 प्लस KOH प्लस KOH. पोटेशियम सल्फेट क्या होता है हमारे पास, K2SO4. सोडियम सल्फेट Na2SO4. कैल्शियम सल्फेट क्या हो गया मेरे पास, CaSO4. मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4. कॉपर सल्फेट CuSO4. सोडियम क्लोराइड NaCl. सोडियम नाइट्रेट NaNO3. सोडियम कार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड, ये सारे आप खुद से भी लिख सकते हैं, दैट इज NH4Cl. ठीक है, बाकी ये आपका होमवर्क है, यू कैन आइडेंटिफाई दीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, इट्स बनाओ. देखो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का सॉल्ट बना रहे हो तो तुम्हारे पास क्या होगा, सॉल्ट जो स्ट्रांग होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, तो तुम्हारे पास सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा. ठीक है, और अगर तुम एक वीक एसिड प्लस स्ट्रांग बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हो गई, तो जो स्ट्रांग वाला काउंटर पार्ट है इसका, तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा हमारे पास, बेसिक इन नेचर हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, बेसिक इन नेचर हो जाएगा. उसके बेसिस पे यू कैन क्लासिफाई दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई. कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O. ये डॉट फाइव एच टू ओ, दिस इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वॉट इज इट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. इट गिव्स इट अ ब्लू कलर, अ ब्लू कलर. ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ब्लू कलर देता है, और जब यहाँ पे तुम्हारे पास ये हीट करोगे इसको, तो इट विल लूज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, एंड दैट्स वाई यू नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट्स. दैट्स वाई यू विल नोटिस द वाटर ड्रॉपलेट्स. ठीक है, आई एडवाइज यू टू पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे CuSO4.H2O+4H2O, जो तुम्हारे पास ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, ये चार ही होता है, ये 4H2 होता है यहाँ पर. बट इवन इफ यू डोंट रिमेंबर दिस, इट्स ओके फॉर योर लेवल, इट्स फाइन. ठीक है, 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन आफ्टर हीटिंग. अगर तुमने 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए तो क्या होता है, द ब्लू कलर विल रीअपियर. ओके, तो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द एक्टिविटीज फ्रॉम चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. इन द सक्सेसिव वीडियोज वी विल बी कवरिंग द अदर चैप्टर्स एक्टिविटीज एज वेल. सो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच.